हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जो है एक पल्सर NS200 को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने वाले हैं, जिसमें कि अभी ये पेट्रोल इंजन लगा हुआ है, इसको हम फुल्ली इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम जो है के बॉडी पार्ट्स जो है रिमूव करेंगे, जो आउटर शेल है, ताकि हम अच्छे से इसमें वर्क कर पाएँ। तरीके से हम सारे पार्ट्स को रिमूव कर लेंगे एक एक करके बाइक से। आपको सिर्फ चेसिस को छोड़ना है, बाकी सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट निकाल देना है इस बाइक से, ताकि हमें जो है इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करने में बहुत आसानी हो जाए। और ये पेट्रोल टैंक का एक बोल्ट जो है जाम हो गया था, नहीं निकल रहा था, तो इसके लिए मुझे जो है ड्रिल मशीन से काटना पड़ा।
मोटर को माउंट करने के लिए जो है मैं 10 mm की मेटल शीट में यूज़ कर रहा हूँ। मार्क लगाने के बाद जो है अब इसमें हम ड्रिलिंग करेंगे ड्रिल मशीन की हेल्प से, और अब हम इसमें एक बड़ा सा होल लेथ मशीन की हेल्प से करेंगे ताकि जो है ये मोटर पे फिट बैठ सके। अडैप्टर प्लेट कंप्लीट करने के लिए कार्डबोर्ड की मदद से हम मोटर का टेम्पलेट बना रहे हैं। टेम्पलेट बन चुका है, इसकी हेल्प से अब हम अडैप्टर प्लेट पे मार्किंग कर लेंगे जितने भी होल हैं। मार्किंग करने के बाद हम 8 mm की ड्रिल बिट से होल कर लेंगे। ये 6 mm मोटी लोहे की पट्टी है, इस पर हम 20 mm का होल कर लेंगे और इसको हम शाफ्ट पे वेल्ड कर लेंगे। ये हमने लोहे के पाइप की एक सॉकेट ली है, इसको हम एडाप्टर प्लेट पे वेल्ड करके बेयरिंग इसमें फिट कर देंगे। शाफ्ट को एक जगह पे रखने के लिए हम यहाँ पर लॉक पिन का यूज करेंगे। इसके लिए हम जो है लेथ मशीन से लॉक पिन के लिए जगह बना रहे हैं। वेल्ड होने के बाद हम इसमें बेयरिंग फिट कर लेंगे। शाफ्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। हम इस स्प्रॉकेट को फिट कर लेंगे। और ये अडाप्टर प्लेट में हम शाफ्ट को इस तरीके से लगा देंगे और उसके बाद लॉक पिन जो है हम लगा देंगे दूसरी साइड।